Hello and welcome to English Studies YouTube channel. This is Rakesh Chakravarti. आज हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे. टेंस के अंतर्गत मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा चैप्टर पसंद किया है आज के वीडियो के लिए, और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं. हिंदी में इस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. तो इससे पहले कि हम लोग इस टेंस के बारे में चर्चा करें, आइए आपको एक उदाहरण से ये टेंस समझाने का प्रयास करते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल सिचुएशन. अनु इज इन हर क्लास. शी हैज अ बुक इन हर हैंड. शी इज रीडिंग इट. What is she doing? She is reading it. Means she is in the middle of reading the book. She has started, but she hasn't finished it. मतलब बोलने के समय अनु किताब पढ़ रही है. उसने पढ़ना शुरू किया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है. यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शंस इन प्रेजेंट. एनीथिंग हैपनिंग अराउंड राइट नाउ इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इट ऑल्सो शोज एक्शंस इनकम्प्लीट एट प्रेजेंट. इस टेंस का प्रयोग हमारे चारों ओर जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे व्यक्त करने में किया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चूंकि यह वर्तमान में हो रहे कार्य को व्यक्त करता है, इसका वर्ब फॉर्म यानी इसके वर्ब का जो रूप होता है, वर्ब की जो रचना होती है, वो होता है इज आर या एम के साथ V4, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. मूल वर्ब में ing का प्रयोग करके, मूल वर्ब के साथ ing जोड़कर हम लोग V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, जिसे हम लोग ing के रूप में भी लिखते हैं. हिंदी की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में प्रायः रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है. जैसे आई एम ड्राइविंग, वी आर प्लेइंग, यू आर सिंगिंग, ही इज डांसिंग, ये सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं. इस टेंस के और यूजेस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. ऑफन द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे ही वाक्यों को एक्सप्रेस किया जाता है जो बोलने के समय हो रही है. एक एग्जांपल देखते हैं. प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, I'm working. कृपया इतना शोर न करें, मैं काम कर रहा हूं. I am working shows the present time right now. एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Where is Mohan? He is having a bath. मोहन कहाँ है? वह नहा रहा है. मतलब इस समय जब हम मोहन को ढूंढ रहे हैं, इस समय मोहन नहा रहा है, स्नान कर रहा है. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ, इट इजंट रेनिंग एनीमोर. अब क्रिकेट खेलें, बारिश और नहीं हो रही. मतलब अभी की बात हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही थी खत्म हो गई है, नहीं हो रही है और बारिश, चलो आप क्रिकेट खेलें. कुछ एक और एग्जांपल ले सकते हैं.
टॉम एंड एन आर टॉकिंग इन ए कैफे. टॉम सेज, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट. आई विल लेंड इट टू यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट. नाउ टॉम इजंट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ही मीन्स दैट ही हैज स्टार्टेड इट बट नॉट फिनिश्ड इट. ही इज इन द मिडिल ऑफ रीडिंग द बुक. दिस इज वॉट दिस टेंस मीन्स. Another use of this tense, we use the present continuous tense when we talk about things happening in around now actually. And हम लोग इस टेंस को उस समय भी प्रयोग करते हैं जब कोई काम किसी समय के आसपास या किसी समय अवधि के बीच हो रहा होता है. काम तरक्की पर होता है, प्रगति पर होता है. ऐसे वाक्यों में हम प्रायः टुडे, फिर नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ, इन सब का प्रयोग करते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे. अब इस सेंटेंस में हम यू वर्क वेरी हार्ड टुडे नहीं कर सकते. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे मतलब वो रोज हार्ड वर्क नहीं कर रहा बल्कि आज वो हार्ड वर्क कर रहा है. एक और देखते हैं. इज शोसेन वर्किंग दिस वीक. क्या सुशेन इस सप्ताह काम कर रही है? इट डजंट मीन दैट राइट नाउ शी इज वर्किंग बट इट मीन्स द होल वीक whether she is working or not. We use the present continuous when we talk about changes happening around now. अभी के आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस वर्तमान समय के आसपास जो बदलाव हो रहे हैं, इन सारे बदलावों को, या यूं कहें कि परिवर्तनशील स्थितियां जो होती हैं, परिवर्तनशील स्थितियां यानी ऐसा समय, जो ऐसी समय स्थिति अवस्था जो बदल रही है, लगातार बदलते जा रही है, ऐसे चीजों के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट. विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. मतलब इसमें निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं. एक खास बात जो इस टेंस में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस आर नॉट जनरली यूज्ड इन दिस टेंस. यानी ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य जो परसेप्शन पे हों, यानी इंद्रियों के द्वारा मतलब किए जाते हैं स्वाभाविक क्रिया के अंतर्गत, उन्हें इस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं. जिनमें से कुछ खास वर्ब मैं आपको बता रहा हूं अभी, जैसे सी देखना, हियर सुनना, टेस्ट स्वाद महसूस करना, स्वाद चखना, स्मेल सूंघना, नो जानना, थिंक सोचना, फॉरगेट भूलना, अंडरस्टैंड समझना. इनको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, सोचने की क्रिया होती हुई दिखती तो नहीं है. तो ये जो हिंदी के वाक्य में सोच रहा हूं लगा हुआ है, इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं हुई है, इसको देख के आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही पहुंच जाए, ऐसा नहीं है. आपको याद रखना है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन इस टेंस में प्रयोग नहीं होते हैं और इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और कहते हैं आई थिंक. हम नहीं कहते आई एम थिंकिंग, ऐसा नहीं कहते. फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वह समझ रही है, वह समझ रही है. क्या दिखता है समझ रही है, ऐसा दिख रहा है क्या? फिर यह भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसलिए हम लोग कहते हैं सी अंडरस्टैंड्स. हम कभी नहीं कहते सी इज अंडरस्टैंडिंग. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस से संबंधित कुछ बातें थी. अब
अगर हम बात करें इसके सेंटेंस पैटर्न्स की, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, तो आप भली बात ही जानते हैं कि हमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लेस करना है, सब्जेक्ट के साथ इज या आर या एम जो उपयुक्त है उनका प्रयोग करना है, फिर वर्ब के चौथे रूप जिसे हमने पहले ही बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल या मूल वर्ब में आईएनजी लगाना, इसका प्रयोग करना है, और फिर वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर एडवर्ब्स आए हुए हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, नाउ, एट प्रेजेंट, तो इन सब का प्रयोग आपको ऑब्जेक्ट के बाद, वाक्य के बाद करना है। इट्स सो सिंपल। होप यू एंजॉयड इट। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अनदर चैप्टर इन टेंस। टिल देन बाय।